तो भाई सारे भैया ने राम 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 कर। राम राम गाई तो भैया आ गई है, बेरा नेक तक क्यूक करके आई है। इतना बढ़िया मौसम था, इसके आते घाम लिगड़ गया। की कर खाली उड़ लिगड़ गया था। कम बोलो, हमारे वहां सही था मौसम। तो यहाँ पे आके क्यों लिगड़ गया घाम? क्योंकि यहाँ पे पता नहीं। तो भाई घाम लिगड़ गया, पहला दम बनाऊंगे रील, फिर हमने किधर जाना एक बार है ना। तो फिर उड़े जाऊंगे, पहला रील बना लेते हैं, आगे का दिखाऊंगे क्या मैटर है। आज का दिन हमारा कैसे गया? एंड मैं सोच रही हूँ कि लोग बोलते हैं डेली व्लॉग बनाओ, डेली व्लॉग बनाओ। आप लोग कमेंट करते हो भाई डेली व्लॉग में क्या बनाए। हम हफ्ते के एक दिन में नहीं सोच पा रहे कि क्या बनाए। ना ना सोच तो पा रहे हैं लेकिन टाइम ना हमारे द्वारा, छुट्टी एक दिन छुट्टी की बात भी नहीं है। और मतलब डेली व्लॉग में यार, फिर डेली व्लॉग में क्या कहीं आप लोग अपने आप बना देंगे, वो हम अपने आप बना देंगे ना। अच्छी लग रही हूँ ना आज मैं, देखा इधर लगा दो फोन, व्लॉगिंग करेंगे। चलो गाइस मिलते हैं। क्या दिखाया था नहीं डबल इयररिंग्स? ओह सॉरी, ओके। तो गाइस लगा लिए बेल्ट, ठीक है? हाँ बेल्ट लगा ली भाई, एकदम बोट टोको से बेल्ट लगा लिया ब्रो, बेल्ट लगा लिया। गाड़ी भी घनी टोक टों 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 टों। हाँ थोड़ा ही थोड़ी सी भूख लगी रील बनाने के बाद, मेरा ना भूख क्यों कर लग जाए थोड़ा ना, वो खाऊंगे बड़ा स्पाइसी से। आज मौसम बढ़िया है, छोले कुलचे स्पाइसी। आप मतलब बोल तो देते लोग कि हम स्पाइसी खाएंगे लेकिन उसे खाया नहीं जाता। देखा था ना लास्ट व्लॉग में, कुछ मिर्ची नहीं थी उस नूडल्स में, कुछ भी थी भाई, कुछ भी नहीं थी गाइस। अरे थी, गर्ल्स कैन रिलेट। जिसका नाम में गार्लिक चिली नूडल्स है, अच्छा तो होगी नहीं उसमें मिर्ची। आपको नाम भी याद है और के के बारे में छोले कुलचे खा गए, खाओगी तू? यस मैं तो खाऊंगी। कभी इतना अट जाएगा? क्यों मना करूं मैं, शर्म नहीं आती तने कभी? सारी चीज लपेट दे है, इतनी बढ़िया छोरी, इतनी बढ़िया थोड़ी लगे कर खाती हो। कैसी गंदी बातें कर रहे हो यार आप, ये गंदी एकदम बकवास। छोरी थोड़ी दूर रह गए, की कह रहे हो सुनने, की कह रहे हो क्या रहती है? सेंसिबल सा थोड़ा नु बन के छोरी ने खाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, हम ऐसे नहीं शर्माते भाई। खाने जिसने खाने पीने में शर्म करी उसके फूटे गर्म गए, ठीक है? तो खाने करी शर्म है, वो खाना पीना खुद जोड़ दिया। हाँ मैंने अपना बनाया ना, तेरी मैंने बनाया है कि गाइस खाते पीते रह करो, कोई शर्म करेगा। और क्या लड़की लड़की है ये ना, जान के बकवास कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुझे यही खिलाते हैं, और जब से यहाँ है ना तब से ज्यादा मैं खाने लग गई हूँ भाई। ये देख लो पानी की बोतल आसपास नहीं है, तो ये बंदा मतलब लिटरल में मतलब ही इज टू काइंड, और मतलब पता नहीं कैसे कर लेता है। मैंने तो पानी पिया ही नहीं, पानी नहीं था तो। वहीं से पी लिया पानी है? वहीं से पानी पी लिया, पीने का इधर है, वो ठंडा है यार। मैंने तो पिया ही नहीं, फिर मैं तो बोतल से ही पीऊंगी। ये तो तूने कह दी, जिसने करम करी शर्म उसके फुट्टे करम, इतना शर्म आई उड़े पीने में? शर्म की बात नहीं है मतलब ऐसे ही कंफर्ट। अरे तू रहने दे, भंडारा मिल रहा था, बट्टा था मिल रहा ना था। हां मैं तो भंडारा बट रहा था यार, मतलब वो जिस तरह खाओगी नॉर्मली यार टेस्टी तो होगा, पर पेट मुझे ना बनने। आज मेरा पेट भरा भरा सा। मेरी मम्मी होती ना कभी रुकवा लेती गाड़ी, कभी रोक दे भाई। अच्छा ये मतलब इसके धो रहा होंगे तो चल लगा। हाँ ये बंद है, हम सोच रहे थे कि ये बंद है। हाँ देखा वे ये हम पहले उड़ गए सीढ़िया पे, देखाऊंगा वे सीढ़िया ना बंद है। हम लगा मगर ये दोनों चीज के ऊपर बंद है, देखो वे सीढ़ी रुकी उसके दौरे गई थी, सीढ़ी चल पड़ गई थी लेकिन वे नीचे आऊँ थी इस पर आए तो ये चल पड़ा। मैं कह रहा था मंगाया किसा है तो बंद कर रखा है सब कुछ, फायदा क्या लगाने का। और सामने देख लो सामी, देख सामी हमारा स्कूल था वो प्रगति पब्लिक स्कूल, कलर बदल दिया लाल लाल कर दिया, लाल लाल कर दिया कुछ बिल्डिंग। तो भाई सीन यो है जो एड्रेस है ना, ये इसके चाचे के छोरे ने दी थी गिफ्ट इस पर, लेकिन ये आ गई इसका बड्डी तो उसने अड़े ते ली थी सेक्टर 13 पे, तो ये चेंज करावा हम इसका कुछ और पसंद आऊगा। तो मन एक के बात की टेंशन है, ये मेरा ना कितना टाइम लगाओगी, पहले ड्रेस थी ये मैंने कह के ये मेरा समझ में आ रहा कि लूं ड्रेस लूं जीन्स लूं या खेलूं, पर मेरे नु टेंशन है इन्हें एक आइटम लेना है और उस टाइम लगाओगी कम से कम भी 45 मिनट पूरे। यार पसंद तो करना ही होता है, पसंद कर तो सही, तू मने लग तो ना रही पसंद करने की, उस तो देख रही है कुछ आया समझ में? कुछ भी ना आया, ये अच्छी नहीं, तेने पहला नु बता लेना के। मैं तो सोच रही थी ड्रेस के बदले ड्रेस ही ले लूं। हां तो ड्रेस के बदले ड्रेस से ले सके और के ले होगी, तो ढंग तो देख इतना बड़ा रहा है वो। यहाँ पे कुछ कोमल के लवर मिल गए, मेरे नहीं हमारे। हाँ तेरे तेरे इट्स टू क्यूट एंड बहुत ही समरी वाइब दे रहा है।
भाई एक चीज का पसंद आई, अब देखेंगे ट्राई करके। भाई एक जो पसंद आया था ना वो कलरफुल से ड्रेस, मैंने ट्राई करेगा इन वाली मजा ना आया, मैंने बेरा था एक बारी में इसको बोल थे पसंद आ जा मैं नहीं बरस जाएगा सोता। बाकी यार गाइस तुम एक बात बताओ, वो ऐसा लग रहा था जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रखा है, तो मैं क्यों लूं? ये तो फालतू की बात है, ये छोड़ जाएगा तो ने बेरा से ऐसी लगते पसंद ना आएगा। बाकी देखेंगे अभी कितना टाइम लगेगा, बस सिर्फ 20 मिनट हुई हैं आड़ आए, एक ड्रेस बदलनी थी ना बस 20 मिनट तो ले ली, बाकी देखेंगे। भैया आध घंटा हो गया पूरा, इसने ये 4-5 चीज़ तो ले ली हैं, ली ना मतलब ट्राई करने तो ली हैं भाई, कि बेरा ये अभी पसंद आवे ना आवे। भाई मैं थोड़ा चुपचाप, मैं चुपचाप हालत हो गई मेरी, चेंज करते करते मेरी बिंदी भी गिर गई, चुपचाप आगे बैठ गया था मैं तो ट्रायल रूम में थी। फाइनली इसका दो चीज़ पसंद आई है एक्सचेंज में, फाइनली आ गई, टाइम हो गया पूरे 45 मिनट जो मैंने थर्द शुरू में कही थी। ये भी यार कस्टमर सर्विस पे जाकर एक्सचेंज जो फॉर्मेलिटी वो करेंगे फिर चलते हैं बाहर। पक्का पसंद है ना ये? हाँ। पक्का हाँ। देख लिए ठीक है, डबल डॉट से अब ओनली ज़ारा के क्लोथ्स कैन फिक्स मी गाइस, कुछ नहीं लग रहा तेरे की, तो मैं किस्मत खराब, इतनी देर में लत्ते मिल रहे फिर ब्लाइट चली गई गाड़ी की, खा कर पैदा हुई थी तू यो मिल रहा है 1500 के लेने पड़ेंगे तो 500 रुपये होगा, मतलब 1000 रुपये का खर्चा और करना पड़ेगा, सिस्टम ही नहीं बंद है तो मैं 1 घंटा लगा दिया, मेरा जीत ऐसा कर जाएगा आग लगा दो। भाई शॉपिंग हो गई है पूरी, 1.5 घंटा इतना लगा है, 20 मिनट उन्होंने लगाए बिलिंग में, पर बाहर हो रही है बारिश, कई हम बाहर तो ऐसे तो जा ना सकते, इवन लिफ्ट में तो जाना पड़ेगा अंदर का, ठीक है मज़ा आ गया वैसे बार बार ये देख के, इसमें तो बहुत टाइम लगा दिया था, इतना टाइम क्यों लगाती हैं लड़कियाँ शॉपिंग में? गाइस अब आएगी सेटिस्फाइंग आवाज़, एकदम रेडी रहना, यू रेडी? देख लो भाई कसुत्तम ही बरसन लग रहा है, शॉपिंग कर कर आ गए हम, अरे बारिश भाई रुकण का नाम नहीं ले रही यार, तेरी कसम मेरा तो है ना नहाने का जी कर रहा है। तो गई खड़ी करो गाड़ी घर पे और खुदी जाओ, तो फिर सामने मीटिंग भी तो है ना आज एक। सो गाइस एज ऑलवेज मेरी केयरलेसनेस की वजह से भैया इसने खुला छोड़ के थी रोड पे बारिश के चक्कर, वहां पे हम वीडियो बना रहे थे ठीक है, वहां पे हमने इसको छोड़ के चले गए एंड उसके बाद ये वो भी मेरी वजह से, वो भी इनको ट्राइपॉड के देने बोली, तुम ये लगा लो कि हमको ना 3-4 घंटे के बाद हमें याद आया हमारे ढूंढे हमें नहीं मिला, मैंने कहा लगता कोई ले गया ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि काम करते हैं यहाँ पे पास में ना सोसाइटी है भाई हम ढूंढने आए ठीक है 3 घंटे बाद ऑलमोस्ट, तो हम लोग मतलब बारिश हो रही थी तो हम रुके हुए थे खा पी रहे थे, मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, हम आए देखने यहाँ पे था ही नहीं, मैंने कहा भाई हो गया नुकसान, अभी लिया था ट्राईपॉड ठीक है ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ, गाड़ी में बना लेते मोस्टली हम वीडियोज़, इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि पास में सोसाइटी है यहाँ पे पूछ ले, मैंने कहा नहीं होगा नहीं होगा, फिर उन्होंने बोला चलना मैं पूछ के आता हूँ, फिर वो गार्ड अंकल बोलने लगे कि हमें कैसे पता कि आपका ही है, वेरिफिकेशन करना लगे वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि यार बाय चांस कल को कोई आके ये बोले कि भाई मैंने दिया था मेरा था तो फिर वो फंस जाएंगे ना उनकी जॉब पे आ जाएगी, फिर उसके बाद बैग भाई देखो समझदार आदमी होने का फायदा हुआ अगर थोड़ी समझदार हो जाए तू भी टाइम के साथ रह रहा है, चुप हो जाओ वो यार पता है क्या है, मैंने खोला उस टाइम गर्मी लगने लग गई, वीडियो बना के बाहर गर्मी हो रही थी मैं बैठ गई, मैंने कहा अभी बंद कर लूंगी, उसके बाद हम दोनों ही बातों में लग गए और हम चले गए, खुला रह गया यहीं पे ट्राईपॉड, वो तो पता नहीं कौन भला इंसान था जिसने दे दिया, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट चीज है यार, मे बी ट्राईपॉड क्या सोसाइटी नजदीक आड़े मिल सके तो मिल लगे थे, चलो गाइस अब चलते हैं, बाकी पूरे दिन बड़ी बारिश हुई है, बारिश होने का रीजन मेरा था ना कि इससे टाइम पे क्यों बारिश वगैरह है, जो है सावन का महीना, और सावन के महीने में कावड़ लेके आते हैं बहुत सारे भगत जन, हाँ। तो उनके लिए एक बोलते हैं कि उनको पैरों में छाले ना होए तो गर्मी ना लगे, तो टनाटन टनाटन जब तक जल नहीं चढ़ता हाँ। बारिश होती है, अरे हम कैफे एक अच्छा सा पता है सबको पता है गाइस, हम जहाँ पे अपने पैर फर्स्ट ब्लॉग में गए थे वहीं पे जा रहे हैं ठीक है, दीदी जीजू को हमने सोचा कि कहाँ लेके जाए, हमें कोई और अच्छी जगह मिली नहीं, बाय द वे इसके बर्थडे की ट्रीट है, उन्होंने देखे ना ब्लॉग में कि हम तो रह गए हमारी ट्रीट की है, तो इसको अलग से बुलाया, तो मैंने कहा चलो हमारी ट्रीट दो, बर्थडे नहीं खत्म हो रहा गाइस, अभी तो एक महीने और चलेगा, तेरी दादी है भाई, वे ऑन हो रहे हैं हम भी पहुंचे हैं लोकेशन पे, तो भाई हम तो आ गए हैं टाइम पे कैफे क्वींसटाउन सेक्टर 12 गाइस, ये वही कैफे है जिसमें हमारा पहला ब्लॉग था ठीक है, सही बात
सही, हम तो टाइम पे आ गए हैं, पूरे आधे घंटे लेट आ गए भाई ये दोनों। क्या बात होगी, तुम बहुत सवाल लिया करो। बताओगे हम बढ़िया तरह बताओगे तेरे। प्रैंक होने के बाद है। हाँ भाई, गिफ्ट मिल गया तेरे को, शर्मा क्यों रही है? नहीं चलो अब नहीं करता हूँ, तुम फंसे हो सारे आज। कुछ भी फंसे हैं, हम तो नहीं फंसे, आप मत फंस जाना। तू भी तो फर्स्ट टाइम मिल रही है, कोई नहीं शर्मा, चलो चलो चलो। रायता के भी तो रहेगा ना, पर रायता मैंने लगता है ना चार कटोरिया वहाँ होगा। हाँ भाई लपेट रही है रोटी पानी हो गया भाई सबका। छिग्गी तू, तू भी छिग्गी, डन डाटा बन गया। चलो गाइस खाना खा लिया, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस तो भाई खाना खा लिया है और मुझे बहुत 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 मजा आया। उस टाइम पे घनी व्लॉगिंग ना कर पाए क्योंकि सब बातों में बिजी थे। यस yes. मैं मेट्रो तक छोड़ दूंगा या घर जा रही अपने, मजा आया। बाकी इट वाज अ ग्रेट डे। यस इट वाज अ ग्रेट डे, बारिश एंड देन वी हैड अ डिनर विद फैमिली, तो बड़ा मजा आया गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।